यूक्रेन में जंग की आग अभी ठंडी नहीं हुई और दुनिया में एक और वॉर फ्रंट खुलने वाला है। इस वॉर फ्रंट की जमीन आर्कटिक में तैयार हो चुकी है। जंग की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ अमेरिका के साथ नाटो देश हैं तो दूसरी तरफ जंग के मोर्चे पर रूस अकेला खड़ा है। पुतिन एंग्री मोड में है। आर्कटिक में 50 रूसी सैन्य अड्डों को एक्टिवेट कर दिया गया है। मगर सवाल यह है कि आर्कटिक वॉर का नया ग्राउंड क्यों बन गया है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और समझिए कि दरअसल क्यों आर्कटिक नया बैटल ग्राउंड बना है। ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है जहां जंग की आशंकाओं के बीच गर्मी बढ़ने लगी। एक्सपर्ट्स को आर्कटिक में जंग का डर सता रहा है। डर है खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं में बारूद की गंध मिल जाने का। इस डर और आशंकाओं की वजह है रूस और अमेरिका की जंगी तैयारी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस और अमेरिका के बीच आर्कटिक में तलवारें खिंच चुकी हैं। सैन्य अड्डे एक्टिवेट किए जा चुके हैं। फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू हो चुकी है। मिसाइलें रेडी, युद्धपोत आग उगलने के लिए तैयार है। अब इंतजार है बस एक चिंगारी का। आखिर आर्कटिक में रूस और अमेरिका आमने सामने क्यों? आर्कटिक में ऐसा क्या है जिसने इस इलाके को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? आज हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे, मगर उससे पहले आर्कटिक के इस इलाके को आपको मैप के जरिए समझना जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। बीते कुछ वक्त में अमेरिका और नाटो देशों ने इस इलाके में अपनी तैनाती और युद्ध अभ्यास में तेजी लाई, जिससे रूस को इस इलाके में ज्यादा खतरा महसूस होने लगा। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने आर्कटिक के इस इलाके को सैन्य किले में बदलना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक आर्कटिक क्षेत्र में रूस ने अपने 50 सैन्य अड्डों को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। ये सैन्य अड्डे सोवियत संघ के जमाने से यहाँ मौजूद थे। 10 रडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। आर्कटिक के पास MiG-31 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। यहाँ मौजूद रूसी युद्धपोतों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। पुतिन की इस तैयारी की एक और बड़ी वजह साल 2035 तक आर्कटिक की बर्फ का पिघलना भी है। फिलहाल आर्कटिक ग्लेशियर को पार कर रूस की सीमा तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, मगर वैज्ञानिक दावों की माने तो साल 2035 तक इस इलाके से बर्फ पिघल जाएगी, जिससे रूस की 24,000 किलोमीटर लंबी सीमा तक पहुंचना अमेरिका और नाटो देशों के लिए बेहद आसान होगा। रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिका ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। अमेरिका अलास्का, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम बना रहा है। अलास्का में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैनात कर रहा है। नॉर्वे ने भी अमेरिका को यहां सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दे दी। अमेरिका के 6 जंगी जहाज इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। वहीं नाटो देशों की किलर पनडुब्बियां भी यहां अक्सर देखी जाती। यानी अमेरिका ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन इस इलाके में रूस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो पुतिन भी हर फ्रंट पर जंग के लिए तैयार है, जिससे आर्कटिक में कोल्ड वॉर जैसे हालात बन चुके हैं।
रूस वॉर फ्रंट पर खुद को मजबूत करने के लिए ईरान से भी ड्रोन ले रहा है। अमेरिकी दावों के मुताबिक अमेरिका को ईरान से बड़े पैमाने पर घातक ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। अमेरिका को इस बात की पक्की जानकारी है कि रूस ने ईरान से ड्रोन हासिल करने के लिए बड़ी डील की है। इसी महीने ईरान से रूस को मुहाजर 6 और शहीद श्रृंखला की सैकड़ों यूएवी सप्लाई की गई। इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन युद्ध में भी कर रहा है। अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान की सेना ने रूस के सैनिकों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।